पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यार सारी इमेज की ऐसी तैसी हो गई आज तो। ये तो किसी पुरुष प्रजाति की आवाज लग रही। वही होगा माँ का लाडला अभिषेक। इसकी किसी लड़के से दोस्ती नहीं है का? जब देखो लड़कियों से बतियाता फिरता है ये लड़का। तुम काहे को परेशान हो रही? दीदी घुमा फिरा के नहीं कहेंगे। हमको लगता है कि अभिषेक इन लड़कियों का तो दोस्त है, पर हमारी गुड्डी के साथ दोस्त से कुछ ज्यादा होना चाहता है। क्या कह रही हो जे तुम? कुछ देखा तुमने, कुछ सुना? नहीं दीदी, ऐसे तो कुछ भी नहीं। और शायद उन दोनों के बीच कुछ हो भी ना, पर हमारे अंदर की माँ हमसे कह रहे हो कि गुड्डी के मन में ऐसा कुछ ना भी हो, पर उस लड़के पे भरोसा नहीं कर सकते हम। हमें लगता है कि उसके मन में गुड्डी के लाने कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। गुड्डी, मनीषा भाभी का फोन आया था। कह रही थी कि उनके पास कुछ और अच्छे रिश्ते भी हैं। तुमको ऋतिक से नहीं मिलना है दोबारा तो बाकियों से मिल लो। एक ही हफ्ता है हम यहाँ, हमारे रहते सहते बात बन जाए तो अच्छा है। तुम किसी को पसंद करोगी, उसके बाद उसके घर परिवार से भी मिलना होगा। उससे भी पहले तुम्हारे पापा, बड़े पापा, उनसे भी पूछना बताना होगा। इन सब में समय लगेगा गुड्डी, इसलिए कह रहे हैं जल्दी अपना मन बना लो। सोचते विचारते तो नहीं रह सकते ना, समय निकल रहा है। हम कॉल करेंगे आपको। सुमन, तुम चिंता मत करो, तुमने जो कही जैसी कही बिल्कुल सही कही। अरे जल्द से जल्द हमें गुड्डी का रिश्ता तय करना है। अरे वो जब से तुमने बताया ना, का नाम है वो सक्सेना अभिषेक, अरे हमारी तो कल रात से नींद ही उड़ गई। कहीं रीना जैसा बवाल ना हो जाए। हेलो पापा। 2 मिनट समय है तुम्हारे पास? हाँ पापा, क्या हुआ बोलिए। तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, तुम कैसी हो? मम्मी तुम्हारे पास है तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, पर आप सब तो अकेले पड़ गए ना, आपका खाना पीना आप और बड़े पापा सब ध्यान रख रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी बड़ी मम्मी सब इंतजाम करके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। गुड्डी, हम जे कह रहे थे कि तुम हमसे कभी कभी नाराज रहती हो, ठीक है, पर अपनी मम्मी से नाराज मत रहो। वो कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लाने एक तरफ, है कि नहीं? हाँ पापा, हमें पता है मम्मी ने कहा होगा आपको हमें कॉल करके उस लड़के के बारे में पूछने के लिए जिससे मिले थे हम कल। हमने तो सुनी कि तुम्हें वो लड़का अच्छा लगो। ऐसे एक मीटिंग में थोड़ी ना पता चलेगा कि लड़का अच्छा लगा नहीं लगा, उसके बारे में क्या पसंद आया क्या नहीं, नहीं समझ में आएगा ना पापा। हाँ ये बात तो सही है, एक बार में कोई कैसे पसंद आ सकता है, पर एक बार में बुरा भी तो नहीं लगो ना। इसका मतलब तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा होगा उसके बारे में। अब तुम 2-4 बार और मिलोगी तो ही तो तुम्हारे समझ में बात आएगा ना। हम अगर 2-4 बार उनसे मिलेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? पूरा दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमने सांस ली या नहीं ली, हमसे पूछा ये जाएगा कि लड़का पसंद आया, बात आगे बढ़ाए, रिश्ता फिक्स करा दे, शादी करा दे। पापा से जल्दबाजी में दबाव में आके शादी के लिए हाँ नहीं बोल सकते ना हम। नहीं नहीं गुड्डी, अगर ऐसा है तो हम तुमसे वादा कर रहे हैं, कोई भी जबरदस्ती तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। तुम खुले मन से 2-4 बार उस लड़के से मिलो अगले 2-3 दिन में, उसके बाद तुम तय करो तुम्हें क्या लगता है। पापा अगर 2-3 बार मिलने के बाद हम मना कर देंगे ना तो सब हमें ही ताने सुनाएंगे, सब कहेंगे कि पहले तो लड़का अच्छा लगा था फिर क्या हुआ। और अगर मना करना ही था तो 2-3 दिन सबका टाइम क्यों वेस्ट किया उसे मिलके? अरे नहीं गुड्डी, हम कह रहे हैं ना कोई भी तुमसे इस तरह बात नहीं करेगा, तुम बस उस लड़के से मिलो और जवाब तय करो अपना। बस यही कह रहा है कि देर मत करना, कहे कि
तुम्हारी मम्मी बड़ी मम्मी को झांसी लौटनो भी तो है हफ्ते भर में, तो अगले 2-3 दिन में इस लड़के के लाने हाँ या ना पता चल जाते तो सही रहते ना। ठीक है, अगर उसे भी हमसे मिलना होगा तो हम मिलेंगे फिर। कहा ऐसे तो गुड्डी 3 दिन में पलट के जे भी कह सकते है कि उसे पसंद ही नहीं है ऋतिक जी। अरे आप समझ नहीं रहे, इतने लड़कों को देखा है हमने यहाँ, ऋतिक जी सब में सबसे बढ़िया है। जे रिश्ता गुड्डी के लाने सबसे अच्छो है, हमें जे रिश्ता हर हाल में करनो ही करनो है बस। का है सुमन, चिंतित लग रही हो, कछु बात है का जो हमें पता नहीं है? हेलो 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 आंटी नमस्ते, हमारा दोस्त अभिषेक। आओ, अच्छा लगे। बात ये है कि नहीं, बात तो कुछ भी नहीं, बात तो कुछ भी नहीं है, हमें ये लग रहा है कि ये रिश्ता सबसे बढ़िया गुड्डी के लाने। देखो सुमन, अब तुम ज्यादा दबाव डालोगी तो कहीं घबरा कर ना नुकरना कर दे, जबरदस्ती तो शादी नहीं कर सकते ना उसकी, इसलिए कह रहा है शांति रखो, गुड्डी को तय करने दो। हमने वादा किया है गुड्डी से, कोई उसके पीछे नहीं पड़ेगा, कोई उससे जवाब नहीं मांगेगा। ठीक है, कम से कम उसने दोबारा मिलने के लिए हाँ तो कहा, हमसे तो वो भी नहीं कह रही थी। तबीयत कैसी है, उल्टियां रुक गो? संभल जाओ लभी, भैया को जे सब के बारे में अभी पतो ना है, लेकिन अगली बार जे हरकत हुई ना तो सबसे पहले उन्हें ही पता लगेगो। घर के बाहर तुम जे सब नहीं करोगे, होश में रहोगे समझे, और घर के अंदर भी तुम्हारी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं चाहिए। पड़ोस वाले लड़के के बारे में घर वालों को हवा तक नहीं लगनी चाहिए। देखो तुम अभी राधे भैया को बताने वाली थी अभिषेक के बारे में, जबकि कुछ हुआ भी नहीं है दोनों के बीच में, और आगे के लाने तो हम किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे घर वालों को यदि पता चला ना कि कोई लड़का है और वो भी अपनी बिरादरी का नहीं है तो सब गुड्डी पे बरस पड़ेंगे, जबकि उसने रीना जैसी कोई हरकत की भी नहीं है। सही किया दीदी, आपने हमें रोक लिया। राधिका जी आपके लिए पार्सल है। हमारे लिए? आपके नाम से आया। हाय, आज सुबह कॉफी लेने गया था ना तो वहां पे कुकीज दिखी तो तुम्हारी याद आ गई, कल तुम्हें बहुत पसंद आई थी ना इसीलिए मैंने भेजी है। अच्छा सुनो, मैंने सिनेमन कुकीज भी भेजी है, उसे भी प्लीज ट्राई करना, बहुत अच्छी हैं, मेरी फेवरेट हैं। पर इस सब की कोई जरूरत नहीं थी, थैंक्स। अरे कैसी बात कर रही हो राधिका, हर काम जरूरत के लिए नहीं करना चाहिए, एक डिनर डेट के बाद एक जेंटलमैन का इतना तो फर्ज बनता है कि वो अपनी डेट को एक अच्छा सा गिफ्ट भेजे। और मैं कुकीज वेस्ट नहीं करूंगा, ओके? इसे मेरी रिश्वत ही समझ लेना। मनीषा आंटी अगर फोन करें और पूछें कि ऋतिक कैसा लड़का है तो उन्हें मेरे बारे में कुछ अच्छा कह देना, थोड़े अच्छे रिव्यूज दे देना, ओके? नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है वो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, चिल। अच्छा सुनो ना राधिका, वैसे आज का क्या सीन है, मतलब कब फ्री होने वाली हो? 7:30 7:30 ओके। अच्छा राधिका सुनो, मेरी एक मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? बाय बाय। मैंने सिनेमन कुकीज भी भेजी हैं, उसे भी प्लीज ट्राई करना, बहुत अच्छी हैं, मेरी फेवरेट हैं।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।